इस साल बारिश कैसी होगी, देश में कैसा मॉनसून रहेगा, इसे लेकर मौसम से जुड़ी जानकारियां देने वाली दो एजेंसियां आमने सामने आ गई हैं। दोनों एजेंसियों ने मॉनसून को लेकर बिल्कुल अलग अलग अनुमान जाहिर किए हैं। एक दिन पहले स्काईमेट ने इस साल के लिए मॉनसून के कमजोर रहने का अनुमान जाहिर किया था। स्काईमेट ने कहा था कि इस साल जून से सितंबर के दौरान रहने वाले मॉनसून सीजन में सामान्य के मुकाबले में 94% ही बारिश रहेगी। इस अनुमान ने सबको चिंता में डाल दिया था, लेकिन मंगलवार को भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने भविष्यवाणी की है कि इस साल देश में सामान्य मॉनसून रहेगा। IMD ने कहा है कि लॉन्ग पीरियड एवरेज का 96% मॉनसून रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के सेक्रेटरी एम रविंद्रन ने एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि IMD को उम्मीद है कि 2023 में मॉनसून सामान्य रहेगा और इस दौरान 83.5 सेंटीमीटर बारिश होगी। एक दिन पहले ही स्काईमेट ने सामान्य से कम या ब्लो नॉर्मल मॉनसून का अनुमान जताया था और बारिश के LPA के 94% रहने की भविष्यवाणी की थी। मॉनसून का सटीक पूर्वानुमान बेहद अहम होता है, क्योंकि देश भर के किसानों की आस बारिश पर टिकी होती है। फसलों की पैदावार और किसानों की कमाई के लिहाज से भी बारिश का अच्छा होना बेहद जरूरी है। बीते वर्षों में कई दफा मॉनसून के पूर्वानुमान को लेकर IMD पर सवाल भी उठे हैं। अब एक दफा फिर स्काईमेट और IMD के पूर्व अनुमानों में अंतर सीधे तौर पर देश के किसानों के कंफ्यूजन को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। IMD ने कहा है कि पेनिनसुलर इंडिया, इससे लगे हुए ईस्ट सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सामान्य बारिश होने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पार्ट्स ऑफ वेस्ट सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका है। IMD ने कहा है कि अल नीनो का असर मॉनसून सीजन के दूसरे हिस्से में दिखाई दे सकता है। हालांकि IMD ने यह भी कहा है कि अल नीनो के 60% साल ऐसे रहे हैं जिनमें सामान्य मॉनसून रहा है। 1 जून से देश में शुरू होने वाले मॉनसून सीजन पर केवल किसानों की ही नजर नहीं टिकी होती, बल्कि कारोबारी और कंपनियां भी पूरी शिद्दत से अच्छे मॉनसून का इंतजार करती हैं। देश में मॉनसून सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक रहता है। बारिश पर कई सेक्टर्स भी टिके होते हैं। इनमें एग्री और इनसे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज जैसे FMCG कंपनियां यानी साबुन तेल बेचने वाली कंपनियों से लेकर दोपहिया, चारपहिया और ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियां तक इसमें शामिल होती हैं। आम लोगों के लिए भी कम बारिश मुसीबतें लेकर ही आती है, वो ऐसे कि कम प्रोडक्शन से महंगाई बढ़ती है। मौजूदा दौर की बात करें तो पहले से ही महंगाई ऊंची चल रही है, और अगर ऐसे में मॉनसून भी हल्का रहता है तो खाने पीने की चीजों की महंगाई आसमान पर पहुंच सकती है।